राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपके ऊपर बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ काले नमक के एक ऐसे महा उपाय के बारे में। कहते हैं कि काला नमक, कुछ लोग कहते हैं कि काला नमक चंद्रमा का रूप है, कुछ लोग कहते हैं काला नमक शुक्र का रूप होता है, काला नमक राहु का भी रूप होता है। तो इसमें जो है क्या एक ऐसा अचूक उपाय किया जाए जिससे हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता आपके जीवन से जो है वो चली जाए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। तो क्या एक ऐसा उपाय करें काले नमक का, तो आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि अगर खाने में अगर नमक कम हो जाए तो हमें खाने का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही नमक जो है हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। अगर आप अपने घर में कभी कोई नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी हो जाती है तो आप उसमें जो है पोछा लगवाते हैं, नमक डालकर पोछा लगवाते हैं, अपने बाथरूम में नमक को रखते हैं और नमक को अपने ऊपर से वार कर जो है वो जल प्रवाह कर देते हैं, या उसको जो है उसको अपने हाथों से जो है उसे वॉश बेसिन में जाकर उसे डाल देते हैं। नमक अगर हम एक मुट्ठी नमक ले लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई नज़र लगी होती है तो एक मुट्ठी नमक जो साफ जो नमक आप खाने में डालते हैं वो उस नमक की बात कर रही हूँ अभी मैं किसी और नमक की बात नहीं कर रही। जो खाने में हम नमक डालते हैं ना वो नमक लेकर आप एक चम्मच, वो तो हर किसी के घर में होता है, उसके लिए बाहर से आधा नमक काला नमक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो नमक लीजिए और किसी व्यक्ति के ऊपर से, कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको नज़र लग गई है, तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे वारते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद उसे जो है आप वॉश बेसिन के पास जाइए और उस पर डाल दीजिए पानी खोलकर, और आप देखेंगे कि आपको कितना जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये तो ऐसा उपाय है कि आपको लगा कि हाँ भाई मेरी, आप कहीं वैसे भी ये उपाय कर सकते हैं, कहीं आप बाहर से आए हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या कहीं बाहर से आप आए हैं तो ये करके जाएं, और बाहर से आने तो आके करें, ये करके देखें, आपको बहुत राहत आपको जो है इस उपाय से मिलती है। दूसरा एक आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, काले नमक की डेली लेनी है, डली काले नमक की एक डली लेनी है, चूरा चूरा नहीं लेना है, काले नमक का एक पीस लेना है, डली वाला काला नमक। अब इसमें सेंधा नहीं लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना है, सिर्फ काले नमक का डली लेनी है और उसे आपने एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने घर के किसी भी दिशा में कोने में आपने रख देना है। वो साउथ की दिशा हो तो बहुत बढ़िया, नॉर्थ की तरफ मत रखिएगा, साउथ की दिशा की तरफ में कहीं पर भी आप उसे रख दीजिए, साउथ साउथ ईस्ट में रख दीजिए, साउथ में रख दीजिए, और आप उसके बाद देखेंगे चमत्कार। आपका जो वो नमक रखा हुआ है कहीं छुपा कर रख दीजिए, उसके ऊपर कोई उसके साथ में कोई सामान रख दीजिए ताकि वो पीछे की तरफ नज़र ना आए। जब आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होनी शुरू हो गई है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना शुरू हो गया है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग गए हैं, और मात्र इस जरा से एक महा उपाय से। काला नमक, साबुत डली वाला काला नमक, लाल रंग का कपड़ा, छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसे लपेटिए और उसे चुपचाप जाकर रख दीजिए बिना किसी को बताए हुए, और उसके बाद देखें फिर आपका क्या चमत्कार होता है। और वैसे नज़र उतारने के लिए तो हम आपको बताते हैं कि आप सेंधा नमक ले लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक की 4-5 डली ले लीजिए, 4-5 उसके टुकड़े ले लीजिए, और साथ में 4-5 कपूर की डली ले लीजिए, 4-5 लाल मिर्च ले लीजिए, और थोड़ी सी सरसों ले लीजिए, पीली सरसों और काली राई ले लीजिए, ये 5 चीज़ें ले लीजिए और उसे पीड़ित व्यक्ति के सर से वार कर उसे जला दीजिए। इससे भी बहुत पॉजिटिव असर आता है, नेगेटिविटी जो है वो हमारी कम होती है, पॉजिटिविटी जो है हमारी बढ़ती चली जाती है। ये घरेलू उपाय हैं जो आप सभी लोग कर सकते हैं और जिनको करने से सच में चमत्कार होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैंने अपने एनालिटिक्स में जाकर देखा कि चैनल को 65% लोग जो है वो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल के सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। दूसरा, आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज़ बनाने का, कि हमारे दर्शक जो है हमसे चाहते हैं कि वो नई वीडियोज़ हम लोग बनाएं। तो प्लीज़ मेरे कहने पर, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो है
और इसे जो है शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक भी, ताकि ये जो है वीडियो है और लोगों को भी पहुंचे और लोगों को भी इसका फ़र्क जो है वो महसूस हो और लोगों का भी जो है कल्याण हो। आप पॉजिटिविटी को देते हैं तो पॉजिटिविटी ही आपके पास आती है, आप नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं तो नेगेटिविटी आपके पास आती है। तो ये ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट जो है आपको होगा और इससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। और दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अगर आप हमें लाइव पे हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। राधे राधे।